तो वहीं मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लगातार मध्य प्रदेश में मॉनसून एक्टिव मोड में है और बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। डबरा में बाढ़ से हालात काफी गंभीर है और 400 लोग अभी वहां फंसे हुए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और सबसे ज्यादा बारिश मंडला जिले में 54.64 इंच बारिश दर्ज की गई है। दूसरे नंबर पर सिवनी में 53 इंच बारिश और भोपाल, सागर, श्योपुर और छिंदवाड़ा में 47 इंच पानी बरसा है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको मौसम को लेकर बता रहे हैं, जहां डिंडौरी, रायसेन, नर्मदापुरम में 46 इंच अब तक बारिश दर्ज की गई है। बालाघाट में 45 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश हो रही है, बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से रहने की अपील की जा रही है। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि डबरा में बाढ़ से हालात काफी गंभीर हैं और 400 लोग वहां फंस चुके हैं। सबसे ज्यादा बारिश मंडला जिले में दर्ज की गई है, जो कि 54.64 इंच है। साथ ही आपको बता दें कि दूसरे नंबर पर सिवनी में बारिश हुई है, जहां 53 इंच बारिश दर्ज की गई है। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। भोपाल, सागर, श्योपुर और छिंदवाड़ा में 47 इंच बारिश दर्ज की गई है। साथ ही आपको बता दें कि डिंडौरी, रायसेन, नर्मदापुरम में 46 इंच अब तक बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और इससे प्रदेश के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और आज भी बारिश का दौर प्रदेश में देखने को मिल सकता है।